क्या चालू है पब्लिक आदर जा रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे ओके सो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं कैमरा सेटअप करके एंड ये अभी आप देख सकते हो कि मैंने दोनों कैमरा लगा दिया है, एक GoPro 10 अपने हेलमेट में एंड ऐसे कैम लेजेंड 6 हैंडल बार में। तो अगर मैं आपको जो अगर आप मेरा चैनल कंटिन्यूसली देख रहे रहेंगे तो उसका एक छोटा सा पार्ट बाकी था जो कि था वॉइस टेस्ट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं चला रहा हूँ 1997 पे, मतलब कि नियर अबाउट 100 एंड आप वॉइस क्वालिटी सुन सके हो कि ये विंडोज आ रहा है कि नहीं। और ये नींद चेक मारो, भाई ने हाथ दे दिया था पहले ही, नहीं तो बहुत खतरनाक नींद मार रहा था। एंड अगर ये हेलमेट का रिव्यू मैं बताऊँ आपको तो हेलमेट में तो मतलब ठीक ठाक है, मेरा जो प्रीवियस वाला हेलमेट था वो थोड़ा इससे हल्का था और इसका जो वेट है वो 500 ग्राम ज़्यादा, मतलब आधा किलो ज़्यादा है। इसके वजह से मेरे को अभी स्टार्टिंग में लग रहा है एंड थोड़ा सा लूज़ भी हो गया मेरे को लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हो जैसे ही ज़्यादा विंड आता है, मतलब ज़्यादा स्पीड में ये जो हेलमेट है वो इधर उधर हिलते रहते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो GoPro का जो क्या बोलते हैं उसको व्यू है वो थोड़ा शेकी शेकी आएगा। अभी उसका कुछ करना पड़ेगा एंड काफ़ी दिन भी हो गया, मतलब मुझे लगता है 5-6-7 दिन हो गया रहेगा, नहीं तो रिटर्न ही मार दे दूँगा। एक्चुअली मैंने पहले जो ऑर्डर किया था ना वो मीडियम किया था एंड उन्होंने भेज दिया था मेरे को, सॉरी लार्ज किया था एंड उन्होंने मेरे को भेज दिया था मीडियम। तो फिर मैंने एक्सेल किया ये सोच के कि इस बार ही लार्ज भेजेंगे और भेज दिया एक्सेल, और फिर मैंने चेक नहीं किया, मेरे को लगा ठीक साइज आ जाएगा और ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं है फिर भी थोड़ा सा तो है एंड थोड़ा थोड़ा बोलने में भी ये हो रहा है मेरे को, बट ठीक है देखते हैं अभी क्या करना है। अभी रिटर्न तो नहीं कर सकते, फिर उसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मेरे को हो सकता है एक मास्क लेना पड़ेगा वो पहन के चला हुआ तभी देन सही रहेगा। एंड GoPro सेट करने के बाद मेरे को लगता है कि इसका जो वेट है थोड़ा सा और बढ़ गया है, उसके वजह से हेलमेट जो है वो बार बार ना नीचे आ जा रहे हैं। आई होप सो कि जो व्यू है वो अच्छा है एंड जो वॉइस क्वालिटी है वो भी अच्छा है, क्योंकि मेरा जो पूरा सेटअप है उसको अगर काउंट करेंगे तो नियरली मोर देन 50,000 का है। तो 50,000 का सेटअप लगा के आप ऑब्वियसली सोचोगे कि जो व्यू है वो थोड़ा बेटर आए पहले के मुकाबले से। तो अभी मैंने डाल दिया 6 गियर पे 80 और यहाँ पे कुछ और शूटिंग की तैयारी चल रही थी, भाई ने कैमरा निकाल रहे थे तो, और ये लूम चेक मार। भाई जी क्या चालू है, क्या चालू है पब्लिक आदर जा रहे आ रहे आ रहे आ रहे, पता नहीं किस चीज़ का रोड में इसे खड़ा होकर चंदा मांग रहे हैं भाई, बहुत रिस्की काम है ये। ये तो अच्छा हुआ सही टाइम पे देख लिया, एकदम ब्लाइंड स्पॉट के आगे खड़े होकर चंदा काट रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो अभी उनको चोपा दे दिया, वो बोला आ रहे आ रहे उधर से, लेकिन हम लोग आते टाइम दूसरे साइड से निकल जाएंगे। क्योंकि वॉइस जो क्वालिटी है वो अच्छा आता रहे, ज़्यादा विंडोज नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला हेलमेट था उसमें वही प्रॉब्लम था कि वो वीडियो में बहुत शेकी आता था एंड ऊपर से जो विंडोज है वो काफ़ी ज़्यादा आता था। तो उसको ही सही करने के लिए मैंने ये GoPro परचेज किया एंड नया हेलमेट भी लिया हो, तो अगर सेम चीज़ वापस से होगा तो फिर भाई बहुत दुख होगा मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। अभी तो पैसे आ भी नहीं रहे यूट्यूब से, 700 सब्सक्राइबर है और 20 व्यू आते हैं भाई मेरे को पर वीडियो पे, पर इतना है कि अब 20 व्यू आने लगा है तो आई होप कि धीरे धीरे बढ़ेगा।
एंड GoPro का मेरे को एक और बात नहीं समझ में आया, अगर किसी को मालूम रहेगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना कि जब मैं इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ ना फ़ोन पे, तो अभी आप जैसा कि देख सकते हो इसका अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इसका प्रीव्यू नहीं बता रहा है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड जब भी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ तभी इसका प्रीव्यू दिखाता है। तो ऐसा कुछ सेटिंग है या फिर ये ऐसा ही होता है तो वो मेरे को मालूम नहीं है। तो अगर किसी को मालूम रहेगा तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा हेल्प करना। बाकी ये आ गया हम लोग पतरातू डैम, और ये पतरातू डैम का व्यू चेक मारो गाइस। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुकते हैं, पतरातू डैम, ये व्यू चेक मारो पतरातू डैम का, क्या ही सही लग रहा है। चलो तो अब यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं एंड देन मिलते हैं आगे।